Hello friends, today we will discuss the concept of one-tailed test and two-tailed test and also the difference between one-tailed test and two-tailed test and when to use one-tailed test or two-tailed test. Let's start. Two-tailed test. If you are using a significance level of 0.05, a two-tailed test allots half of your alpha to testing the statistical significance in one direction and half of your alpha to testing statistical significance in the other direction. This means that 0.025 is in each tail of the distribution of your test statistic. When using a two-tailed test, regardless of the direction of the relationship you hypothesize, you are testing for the probability of the relationship in both the directions. Two-tailed test wo test hota hai jaise ki jab hum 5% significance level agar lete hain ya 0.05 to usme ye two parts mein equally टेल्स में डिवाइड हो जाता है 0.025 ऑन राइट साइड एंड 0.025 ऑन लेफ्ट साइड. एज यू कैन सी इन द डायग्राम, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि दो टेल्स हैं. दिस इज ऑन द लेफ्ट साइड एंड दिस इज ऑन द राइट साइड. दिस राइट एरिया शेडेड डार्क ब्लू इज 0.025 ऑफ द टोटल एरिया अंडर द कर्व एंड दिस लेफ्ट एरिया शेडेड डार्क ब्लू इज 0.025 ऑफ द टोटल एरिया अंडर द कर्व. ये लेफ्ट साइड में 0.025 टेल का एरिया है और ये राइट साइड में 0.025 टेल का एरिया है. पहले हमें ये पता होना चाहिए कुछ कॉन्सेप्ट्स जैसे कि पी वैल्यू. पी वैल्यू ये होती है जब हम हाइपोथेसिस, जो वैल्यू जिसके बेसिस पे हम हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं उस वैल्यू को हम पी वैल्यू बोलते हैं. द वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ विच वी रिजेक्ट और एक्सेप्ट द हाइपोथेसिस इज कॉल्ड द पी वैल्यू. यह वो वैल्यू होती है जिसके आधार पर हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं. जब हाइपोथेसिस का रिजेक्शन एरिया कर्व के दोनों टेल्स पर होता है तो उसको हम टू टेल पर बोलते हैं. जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इस डायग्राम में जो रिजेक्शन एरिया हाइपोथेसिस का, दिस इज ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द कर्व. और जब कर्व का रिजेक्शन एरिया टेल के एक ही टेल पर होता है तो उसे हम वन टेल टेस्ट बोलते हैं. जब ये रिजेक्शन एरिया टेल राइट टेल पर होता है तो राइट या अपर वन टेल टेस्ट बोलते हैं, और जब ये रिजेक्शन एरिया लेफ्ट टेल पर होता है तो इसे लेफ्ट और लोअर वन टेल टेस्ट बोलते हैं. नाउ वी कैन डिस्कस दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल आल्सो. फॉर एग्जांपल, वी विश टू कंपेयर द मीन ऑफ अ सैंपल टू अ गिवन वैल्यू एक्स यूजिंग अ टी टेस्ट. हम किसी जो सैंपल है उसकी मीन को कंपेयर करना चाहते हैं एक वैल्यू एक्स से यूजिंग टी टेस्ट. अब हमें पता है नल हाइपोथेसिस में क्या होता है. हमेशा नल हाइपोथेसिस विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एच नॉट, इट ऑलवेज यूजेस द इक्वल साइन. तो नल हाइपोथेसिस का मतलब है मीन इज इक्वल टू एक्स, जो सैंपल का मीन है. और टू टेल टेस्ट विल टेस्ट इफ बोथ, इफ द मीन इज सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन एक्स एंड इफ द मीन इज सिग्निफिकेंटली लेस देन एक्स. अब इस केस में ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस यह बताएगा कि जो मीन एक्स है वो या तो ज़्यादा, और उन मीन एक्स और सैंपल मीन और मीन एक्स में डिफरेंस है, या तो डिफरेंस ज़्यादा हो सकता है कम. लेकिन ये स्पेसिफिकली ये डायरेक्शन नहीं बता रहा कि मीन जो सैंपल का है वो एक्स से ज़्यादा होगा या मीन जो सैंपल का है वो एक्स जो वैल्यू दी गई है उससे कम होगा. दिस मीन्स द मीन इज कंसिडर्ड सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम एक्स इफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक इज इन द टॉप 2.5% और बॉटम 2.5% ऑफ इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रिजल्टिंग इन ए पी वैल्यू लेस देन 0.05. अब या तो टॉप 0.025 या 2.5% में होगा मीन, या फिर होगा बॉटम 2.5 और लेफ्ट में. ये दोनों टेल्स इसमें आती हैं टू टेल टेस्ट में. इन टू टेल टेस्ट एज यू कैन सी द रिजेक्शन एरिया इज ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द कर्व. Whereas in one tail test, rejection area is only on the one side of the curve, whether it is on either on right side in case of right tail test, and if the rejection area is on left side in case of left tail test. Now we will discuss one tail test also. If you are using a significance level of 0.505 or 5%, a one tail test allots all your alpha to testing the statistical significance in the one direction of interest. This means that
0.05 is in one tail of the distribution of your test statistic. When using a one tail test, you are testing for the possibility of the relationship in one direction and completely disregarding the possibility of a relationship in the other direction. अब वन टेल टेस्ट में क्या है कि जो हमारा रिजेक्शन एरिया है, as you can see in the diagram, it is entirely on the one side of the tail only. ये आप देख सकते हैं जैसा कि डायग्राम में रिजेक्शन एरिया है, ये लेफ्ट टेल्ड है. रिजेक्शन एरिया जो है 5%, ये पूरा लेफ्ट साइड ऑफ टेल होगा. और इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि रिजेक्शन एरिया जो है, इट इज एंटायरली ऑन द राइट साइड, राइट टेल, पूरा 5% एरिया जो है. जबकि टू टेल टेस्ट में क्या था, ये दो एक टेल्स थी और 0.025 लेफ्ट में था और 0.025 राइट में था. यहाँ हमें एक दो चीज़ें और जो जानने की ज़रूरत है, जैसे हमें पता होना चाहिए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है. अब टाइप और एल्फा किसे कहते हैं हम. टाइप वन एरर को हम एल्फा बोलते हैं क्योंकि ये होती है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ टाइप वन एरर. टाइप वन एरर को एल्फा कहा जाता है. और टाइप वन एरर वो होता है जब व्हेन वी रिजेक्ट ए ट्रू नल हाइपोथेसिस. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम 5% या 1% ही लेकर चलते हैं. और ये हम पहले से ही डिसाइड करके चलते हैं कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें क्या लेना है. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस टेल्स अस अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ टाइप वन एरर. टाइप वन एरर होने की प्रोबेबिलिटी या संभावना को हम कहते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये बताता है कि आपको नल हाइपोथेसिस जो कि ट्रू है, फिर भी आपने उसे रिजेक्ट कर दिया है, उसको हम बोलते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम पहले से ही लेके चलते हैं कि कितना हो सकता है. टाइप वन एरर को हम बोलते हैं एरर ऑफ फर्स्ट काइंड. और ये बहुत बड़ा एरर होता है, जैसे हम कह सकते हैं कि किसी जैसे बहुत बड़ा अपराध कर दिया या कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया है. अब हमें थोड़ा एनपीसी के बारे में भी पता होना चाहिए. एनपीसी को हम बोलते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व. ये बेल शेप होता है. स्टैटिस्टिक्स में हम किसी भी इवेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी या चांसेस होते हैं उसे ड्रॉ करते हैं उस कर्व के अंदर. उस कर्व को हम बोलते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व. ये कर्व बायलेट्रिकली सिमेट्रिकल होता है. बोथ द राइट एंड लेफ्ट हाफ्स आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. इसके दो हाफ्स होते हैं, लेफ्ट और राइट हाफ्स. ये एसिम्प्टोटिक होता है. एसिम्प्टोटिक मतलब कि ये हमें लगता है कि एक्स एक्सिस को टच करेगा, लेकिन बट दे इट नेवर टचेस द बेस लाइन. जैसे हम कहते हैं टू पैरेलल लाइंस नेवर मीट. सिमिलरली ये जो कर्व का लिमिटेड बिहेवियर बताता है, इट नेवर टचेस द बेस लाइन. इसमें मीन, मीडियन और मोड एक ही पॉइंट पर होते हैं. और हमें यह भी पता होना चाहिए एक चीज और है, क्रिटिकल रीजन. ये जो हमने अभी वन टेल और टू टेल टेस्ट डिस्कस किया है, टेल पर जो पॉइंट्स आते हैं उन्हें हम बोलते हैं वेरी अनलाइकली ऑब्जर्वेशंस. ये एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं ऑन द पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड. दीज आर वेरी रेयर एंड दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल रीजन. इनमें टाइप वन एरर होने की संभावना काफ़ी हाई होती है. नाउ विच टेस्ट टू यूज. अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा टेस्ट यूज करना है, वन टेल्ड और टू टेल्ड टेस्ट. अब हम इसको डिस्कस करते हैं. ए टू टेल्ड टेस्ट इज एप्रोप्रिएट इफ यू वॉन्ट टू डिटर्मिन इफ देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप्स यू आर कंपेयरिंग. टू टेल्ड टेस्ट का तब यूज किया जाता है जब हमें यह पता करना है कि दो ग्रुप्स के बीच में डिफरेंस है या नहीं. फॉर इंस्टेंस, इफ यू वॉन्ट टू सी इफ ग्रुप ए स्कोर्ड हायर और लोअर देन द ग्रुप बी. अगर हम ये कंपेयर करना चाहते हैं कि ग्रुप ए ने स्कोर किया है हायर या लोअर ग्रुप बी से, देन वी वुड वॉन्ट टू यूज ए टू टेल टेस्ट. तब हम टू टेल टेस्ट का प्रयोग करेंगे. दिस इज क्यों. दिस इज बिकॉज ए टू टेल टेस्ट यूजेस बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टेल्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. इन अदर वर्ड्स, इट टेस्ट फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव डिफरेंसेस. टू टेल टेस्ट में दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव डिफरेंसेस के होने की संभावना होती है. अब वन टेल टेस्ट, वन टेल टेस्ट का हम कब उपयोग करेंगे. वन टेल टेस्ट इज एप्रोप्रिएट इफ यू वॉन्ट ओनली वॉन्ट टू डिटर्मिन इफ देर इज ए डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन. टू टेल टेस्ट डायरेक्शन की बात नहीं करता, वो सिर्फ ये बताता है कि डिफरेंस है या नहीं है. तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टेल्स उसमें डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होती हैं. वेयर इज इन वन टेल टेस्ट
it determines if there is a difference between groups in a specific direction. So if you are only interested in determining if group A scored higher than the group B, and you are completely uninterested in the possibility of group A scoring lower than the group B, then you may want to use a one-tail test. अब हम ये जानना चाहते हैं कि ग्रुप ए का जो स्कोर है वो ग्रुप बी से ज़्यादा है, और इस एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, और हम ये इस बात में इंटरेस्टेड नहीं कि ग्रुप ए का स्कोर ग्रुप बी से कम आया है। तो इस केस में वन टेल टेस्ट ही यूज़ करेंगे। द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए वन टेल टेस्ट इज दैट इट हैज़ मोर स्टेटिस्टिकल पावर देन ए टू टेल टेस्ट एट द सेम सिग्निफिकेंस लेवल। जो एक वन टेल टेस्ट है इसकी स्टेटिस्टिकल पावर ज़्यादा होती है टू टेल टेस्ट के सेम सिग्निफिकेंस लेवल पर। इसको हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स योर रिजल्ट्स आर मोस्ट लाइकली टू बी सिग्निफिकेंट फॉर ए वन टेल टेस्ट इफ देयर ट्रूली इज अ डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप्स इन द डायरेक्शन दैट यू हैव प्रिडिक्टेड। दिस इज बिकॉज ओनली वन टेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज फॉर द टेस्ट। इसमें एक ही टेल का यूज किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेस्ट में। So which test to use? When in doubt, it is almost always more appropriate to use a two-tailed test. A one-tailed test is only justified if you have a specific prediction about the direction of the difference. जब हमें direction of difference के बारे में specific prediction या पता है तब हम one-tailed test use करेंगे। ज़्यादातर हम two-tailed test ही use करते हैं। For example, ग्रुप ए स्कोर हायर देन ग्रुप बी, इस केस में हम वन टेल टेस्ट यूज करेंगे। एंड वी आर कम्प्लीटली अनइंटरेस्टेड इन द पॉसिबिलिटी दैट द अपोजिट आउटकम कुड बी ट्रू, ग्रुप ए स्कोरिंग लोअर देन ग्रुप बी। नाउ वी विल सी द डिफरेंसेस बिटवीन वन टेल टेस्ट एंड टू टेल टेस्ट। एज यू कैन सी इन द टेबल, बेसिस ऑफ कंपेरिजन वन टेल टेस्ट एंड टू टेल टेस्ट। बेसिस ऑफ कंपेरिजन मीनिंग, सबसे पहले हम मीनिंग की बात करते हैं। तो वन टेल टेस्ट क्या है? वन टेल टेस्ट इज ए statistical hypothesis test in which alternative hypothesis has only one end. जो alternate hypothesis होती है इसका सिर्फ एक ही end होता है, इसे हम बोलते हैं one tail test. Where a significance test in which alternate hypothesis has two ends, it is called a two tail test. Two tail test में alternate hypothesis के two ends होते हैं, one tail test में alternate hypothesis का सिर्फ एक ही end होता है। अगर ये एंड लेफ्ट साइड पे होगा तो इसे हम बोलेंगे वन टेल लेफ्ट टेल टेस्ट। अगर ये एंड राइट साइड पे होगा तो हम इसे बोलेंगे वन टेल राइट टेल टेस्ट। हाइपोथेसिस डायरेक्शनल होती है वन टेल टेस्ट में, हाइपोथेसिस इज नॉन डायरेक्शनल इन केस ऑफ टू टेल टेस्ट। अब रीजन ऑफ रिजेक्शन की बात करते हैं। रीजन ऑफ रिजेक्शन वन टेल टेस्ट में इधर या तो लेफ्ट होगा या राइट होगा, लेकिन टू टेल टेस्ट में रीजन ऑफ रिजेक्शन दोनों तरफ होता है, बोथ लाइट लेफ्ट टेस्ट एंड राइट। रिजेक्शन एरिया इन केस ऑफ वन टेल टेस्ट इज ईदर ऑन द लेफ्ट साइड और ऑन राइट साइड इन केस ऑफ राइट टेल टेस्ट। रिजेक्शन एरिया इज इन वन टेल ओनली, ईदर राइट टेल और लेफ्ट टेल। रिजेक्शन एरिया क्या होता है? एक ही टेल की एक तरफ ही होगा, लेफ्ट टेल में होगा, लेफ्ट साइड में, तो उसे हम बोलेंगे लेफ्ट टेल टेस्ट, और राइट साइड में होगा तो बोलेंगे राइट टेल टेस्ट। जबकि रिजेक्शन एरिया जो है टू टेल टेस्ट में ये होता है इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ टेल्स, दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब जैसा हमने बताया था नल हाइपोथेसिस हमेशा क्या होती है? इक्वल टू साइन से, और ऑल्टरनेट एच वन या एच ए हम लिखते हैं इसे। अब तीन पॉसिबिलिटी हैं, या तो ये नॉट इक्वल टू होगी, या ये ग्रेटर होगी, या लेस देन। तो ये जो नॉट इक्वल की प्रॉबिलिटी है ये है हमारा टू टेल टेस्ट, और ये ग्रेटर और लेस देन है ये है हमारा वन टेल टेस्ट। इन केस ऑफ एच वन इज लेस देन एच नॉट, जब हम देखते हैं कि जो H1 है ये ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस से स्मॉलर है, तब एरिया ऑफ रिजेक्शन इज प्लेस्ड एंटायरली इन द लेफ्ट टेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज इन द केस ऑफ लेफ्ट टेल टेस्ट। वेयर एज इन केस व्हेन द नल ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस इज ग्रेटर देन नल हाइपोथेसिस, एरिया ऑफ रिजेक्शन इज प्लेस्ड एंटायरली इन द राइट टेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज इन द केस ऑफ राइट टेल टेस्ट। जब एच वन एच नॉट से छोटी होगी तो लेफ्ट टेल टेस्ट होगा, और एच वन इज ग्रेटर देन एच नॉट देन इट इज अ केस ऑफ राइट टेल टेस्ट। वेयर इन टू टेल टेस्ट, जब हम टू टेल टेस्ट की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? दो बोथ टेल्स होती हैं और एच वन इज नॉट इक्वल टू एच नॉट।
यानी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस के इक्वल नहीं है। इन केस ऑफ एच वन इज नॉट इक्वल टू एच नॉट, बोथ टेल्स कंटेन इक्वल एरियाज सर्विंग एज क्रिटिकल रीजन्स। नाउ साइन इन ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, दिस इज ऑल्सो ए बेसिस ऑफ कंपेरिजन। अब साइन की बात कर रहे हैं, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस के दो ही साइन होते हैं इस केस में। वन टेल टेस्ट में या तो होगा ग्रेटर देन या होगा लेस देन, और यहाँ टू टेल टेस्ट में साइन क्या होगा आपका, नॉट इक्वल टू ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस का। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस इन वन टेल टेस्ट एज द नेम सजेस्ट इज द स्टैटिस्टिकल टेस्ट इन विच ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हैज ए सिंगल एंड, वेयर एज इन केस ऑफ टू टेल टेस्ट ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हैज ड्यूअल एंड्स, दो एंड्स होते हैं ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस टू टेल टेस्ट में, और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस का एक एंड होता है वन टेल टेस्ट में। वन टेल टेस्ट में ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस इज रिप्रेजेंटेड डायरेक्शनली, वेयर इज इन केस ऑफ टू टेल टेस्ट ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस इज इट इज ए नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस टेस्ट, डायरेक्शन की बात नहीं करता। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। वन टेल टेस्ट इज यूज टू एसर्टेन इफ देयर इज एनी रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इन ए सिंगल डायरेक्शन, दैट इज लेफ्ट और राइट। वन टेल टेस्ट तब यूज किया जाता है जब यह बताता है जो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स है वो एक ही दिशा में जा रहा है, लेफ्ट या राइट। और टू टेल टेस्ट है, इट इज यूज टू आइडेंटिफाई वेदर और नॉट देर इज एनी रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इन ईदर डायरेक्शन, क्या दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप है या नहीं किसी भी डायरेक्शन में, ये कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन की बात नहीं करता। रिजल्ट्स ग्रेटर और लेस देन सर्टेन वैल्यू इन वन टेल टेस्ट, द टेस्ट पैरामीटर कैलकुलेटेड इज मोर और लेस देन द क्रिटिकल वैल्यू। अब यहाँ पे क्या होता है कि ग्रेटर देन और मोर और लेस होती है टेस्ट पैरामीटर को जो हम कैलकुलेट करते हैं, इट इज मोर और लेस देन द क्रिटिकल वैल्यू, वेयर इज इन केस ऑफ टू टेल टेस्ट द रिजल्ट ऑब्टेंड इज विद इन और आउटसाइड क्रिटिकल वैल्यू। वेन टू परफॉर्म द टेस्ट, अब हम कौन सा टेस्ट परफॉर्म करेंगे, वन टेल्ड या टू टेल्ड, जब ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में ग्रेटर देन साइन होगा या स्मॉलर देन साइन होगा, तब हम हमेशा वन टेल टेस्ट ही परफॉर्म करेंगे क्योंकि ये स्पेसिफिक डायरेक्शन की बात करता है। और जब भी नॉट इक्वल टू साइन होगा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में, व्हेन एन ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हैज नॉट इक्वल टू साइन, देन वी विल यूज ए टू टेल टेस्ट। अब हम डायग्राम से समझते हैं, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था वन टेल टेस्ट में जो रिजेक्शन एरिया एक ही टेल के एक ही तरफ होगा या तो राइट टेल या लेफ्ट टेल, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे रिजेक्शन एरिया है ये, दिस इज ऑन द राइट साइड ऑफ द टेल, इसको हम 5% रिजेक्शन एरिया या ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है, तो दिस इज ऑन द राइट साइड ऑफ टेल ओनली एंड दिस इज द नॉन रिजेक्शन एरिया, 95% इज द नॉन रिजेक्शन एरिया, और इसको हम कॉन्फिडेंस लेवल भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल या लेवल, दिस इज 95% 1 minus alpha, दिस इज 5%, और ये जो क्रिटिकल ये जो वैल्यू है ये है प्लस 1.65 सिग्मा फॉर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इन केस ऑफ वन टेल्ड टेस्ट। सो दिस इज द डायग्राम शोइंग वन टेल्ड टेस्ट और राइट टेल्ड टेस्ट। अब एग्जांपल्स हम बात करते हैं राइट टेल्ड टेस्ट की। फॉर एग्जांपल वन, एवरेज अटेंडेंस of students in MET program in CCS universities more than 30%. अब यहाँ आप देख रहे हो more than की बात हो रही है, कि जो average attendance है MET program में CCS university के students की वो 70% से ज़्यादा। It is talking about the direction. This is an example of one tail test. इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं कि null hypothesis is equal to, if we write mu is 70, then H1 we can write mu is greater than 70. It is talking about the direction, greater than sign. अब हम example 2 की बात करते हैं, average age of students in MET program in CCS universities more than 30 years. तो average age है students की MET program में CCS university में वो 30 साल से ज़्यादा है. This is also, अब यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ भी ये direction की बात कर रहा है more
So this is also talking about the direction. So here also you can write H naught में अगर हम कह रहे हैं mu की value 30 है तो alternate hypothesis क्या हुआ? It is greater than 30. So this is also an example of one tail right tail test. अब हम बात करते हैं one tail left tail test की. इसमें similar है, बस जो tail का rejection area है it is on the left side of tail only. And non-rejection area, this is, बाकी सब चीज़ें same है, this is, so confidence level 95% and critical value -1.65 sigma है. अब जितनी भी values इससे कम आएंगी, वो सब rejection area में आएंगी. और जहाँ पे जितनी भी value इस केस में जो right tail में था, +1.6 above, इससे ज़्यादा आएंगी, वो सब आएंगी rejection area में. Whereas in case of left tail, you can see, the values falling below. -1. These will come under the rejection region. Now we will talk about the examples of one tail test, left tail. अब हम example left tail test, one tail test. जैसे हमने पहले बताया था एवरेज स्टूडेंट्स एमएड प्रोग्राम में मोर वर्ड यूज किया था. यहाँ भी हमने कहा एवरेज स्टूडेंट अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन एमएड प्रोग्राम इन सीसीएस यूनिवर्सिटी इज लेस देन. अब ये सीधा लेस देन की बात कर रहा है. सो इट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन. यहाँ भी अगर हम कहें कि म्यू है हमारा 70 एच नॉट नल हाइपोथेसिस तो ऑल्टरनेट हमारी हो गई इट इज लेस देन 70. सिमिलरली इन एग्जांपल टू हमने पहले की थी बात की एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स इन एमएड प्रोग्राम इज लेस देन. वन टेल्ड राइट टेल्ड में हमने कहा था इट इज मोर देन. नाउ वी आर saying that average age of students in MET program of CCN University is less. This, it is also talking about the direction. So, yahan bhi hum jaise H naught ko agar likhte, mu is equal to 30, then H1 is, mu is less than 30. So, these are the examples of one-tail, left-tail test. Ab hum two-tail test ko discuss karte hain. Yahan aap jaisa ki diagram mein dekh sakte hain, rejection region is on the both sides of the tail. ये है rejection region. 5% को हमने दो में divide कर दिया. As you can see, 2.5% on the right side and 2.5% on the left side. This is the rejection region in the left side and 2.5% rejection region in the right side. This is, ये हमारा है confidence interval 95%. क्रिटिकल वैल्यू हमारी है 5% के लिए ±1.96 सिग्मा. अब यहाँ जो अल्फा है इसको हम डिवाइड कर देंगे अल्फा बाय 2 में. सो ये हमारा लेफ्ट साइड में हो गया अल्फा बाय 2 एंड दिस इज ऑन द राइट साइड. नाउ वी विल डिस्कस द एग्जांपल्स ऑफ टू टेल टेस्ट. एग्जांपल 1, suppose a researcher wants to compare the IQ level of boys and girls of class 10. In this case, null hypothesis states there is no difference between IQ level of boys and IQ level of girls of class 10. And alternate hypothesis states there is a difference between IQ level of boys and IQ level of girls of class 10. अगर कोई researcher compare कर रहा IQ level of boys और girls का, IQ level of boys and IQ level of girls. तो null hypothesis जैसा कि हमें पता है it is a hypothesis of no difference and it is represented by equal to sign. तो null hypothesis कहेगा there is no difference in the IQ level of boys and girls. और two tail test की बात हो रही है तो alternate hypothesis कहेगा there is a difference. कि difference है. अब कम है या ज़्यादा है ये नहीं बता रहा है. तो इसमें दोनों possibilities हो सकती हैं. जैसा कि हम diagram में देख रहे हैं H naught is mu 1 is equal to H naught says mu 1 is equal to mu 2. So alternate says mu 1 is not equal to mu 2. Now we will discuss with another example. Example 2. Suppose a researcher wants to compare the soft skills of BBA students and soft skills of MBA students. In this case, the null hypothesis states there is no difference between the soft skills of
BBA students and softer skills of MBA students, and alternate hypothesis states that there is a difference between the softer skills of BBA students and softer skills of MBA students. अगर researcher कोई compare कर रहा है soft skills BBA students और MBA students की, तो null hypothesis हम कह सकते हैं कि कहेगा there is no difference between the soft skills of BBA students and soft skills of MBA students, whereas alternate hypothesis says there is a difference between the soft skills of BBA students and soft skills of MBA students. So these are the examples of two-tailed tests. Now level of significance and corresponding confidence interval in terms of Z value for one-tailed and two-tailed tests. अब यहाँ हम level of significance और इसकी corresponding confidence interval की जो Z value है इसकी हम बात कर रहे हैं one-tailed test के लिए क्या होती है और Z two-tailed test के लिए. जैसा कि as you can see in the table, in 5% level of significance for 5% level of significance that is 0.05, for one tail test the Z value is plus minus 1.65 sigma, whereas in case of two tail test is 5% level of significance Z value is plus minus 1.96 sigma, whereas in case of 1% level of significance or 0.01 Z value is for one tail test is plus minus 2.33 sigma, whereas in case of two tail test for 1% level of significance Z values plus minus 2.58 sigma. Mostly 5% or 1% ही लिया जाता है level of significance, लेकिन यहाँ हमने 10% की भी value दिखा दी है. So Z value for 10% level of significance or 0.01, जो Z value है one tail test की, ये है plus minus 1.28 sigma. For one tail test at 10% level of significance and plus minus 1.65 sigma for two tail test at 10% level of significance. A comparison between two tail test and one tail test you can see from the diagrams. यहाँ पे आप comparison देख सकते हैं. This is a two tail test. Tails are on the both sides of the curve. यहाँ tails दोनों तरफ है curve के. This is on the right side, right tail, and this is left tail. And rejection area it is also on the both sides. Rejection region null hypothesis यहाँ पे reject होगी. यहाँ हमारी critical values होती हैं on both and right sides. Plus में होगी, यहाँ पे minus में होगी. अब यहाँ left tail test की बात करें, rejection region it is only on the one side. ये left side में ही होगा rejection area, left tail और lower tail test में. अब जब rejection area right side में होगा tail के, और this is called right-tailed or upper-tailed test. As you can see from the table, this table also, the alternate hypothesis is ka sign kya hai? Two-tailed test mein alternate hypothesis is represented by not equal to sign. This is not equal to. And in case of left-tailed test, it is represented by lesser than or smaller. Whereas alternate hypothesis is represented by greater than sign. It is greater than the null hypothesis, whereas in case of left-tailed, alternate hypothesis is lesser or smaller than the null hypothesis, whereas in case of two-tailed test, which is alternate hypothesis not equal to null hypothesis. Rejection region we are talking about. Rejection region kahan hai? Both sides of the tail, both sides of the curve or two sides. It is only on one left side of the curve or left tail. In case of left tail, one tail test, and right rejection area is on right side or right tail in case of left right tail one tail test. Now quick revision of one tail test versus two tail test. One tail test, here we are concerned with the direction of difference, whether positive right tail or negative left tail. यहाँ पे हम direction की बात करते हैं, अगर positive होगी right tail test में और negative होगी left tail test में. Whereas in case of two-tailed, all that we are interested is in to find out that is there any difference or not between the means. यहाँ सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं कि difference है या नहीं. We are not talking about the direction in case of two-tailed test. In case of one-tailed test, there is a difference between the means of two groups. यहाँ हम कहते हैं कि mean, first mean जो है,
It is larger or smaller than the second mean. We can say M1 is greater than M2 or M1 is smaller than M2. Whereas in first mean is larger or smaller than the second mean, it is of no concern. A first mean, second mean से बड़ा या छोटा इससे हमें कोई लेना देना नहीं है. No concern for the direction of difference, whether positive is or negative. Here we will only say that M1 is not equal to M2. And we are not concerned with the direction, whether positive or negative. Whereas in case of one tail test, it indicates the superiority or inferiority of a group. ये superiority या inferiority की बात करता है. जबकि टू टेल टेस्ट क्या है, इट इज देर इज नो इंडिकेशन ऑफ सुपीरियरिटी और इन्फीरियोरिटी ऑफ द ग्रुप, उसकी बात नहीं करता है. रीजन ऑफ रिजेक्शन, वन टेल टेस्ट में क्या है, रीजन ऑफ रिजेक्शन लाइज एंटायरली इन वन एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. वेयर इज इन केस ऑफ टू टेल, इट इन्वॉल्व्स अ क्रिटिकल रीजन विच इज स्प्लिट इनटू टू इक्वल पार्ट्स प्लेस्ड इन ईच टेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. तो रिजेक्शन रीजन इज placed into two equal parts on either side of the curve or on the two tails in case of two tail test. Rejection region एक ही तरफ होता है तो one tail test में और दोनों तरफ होता है two tail test में. One tail test has the entire 5% of the alpha level in one tail in either the left or right tail. जो entire 5% level of significance है ये लेफ्ट में होगा या फिर और ऑन राइट टेल. लेफ्ट में होगा लेफ्ट टेल टेस्ट में 5% जो अल्फा लेवल है टेल के, और 5% एंटायर राइट में होगा राइट टेल टेस्ट में. ए टू टेल टेस्ट स्प्लिट्स योर अल्फा लेवल इन टू इक्वल पार्ट हाफ्स इन ईच टेल. यहाँ पे क्या है, अल्फा लेवल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा. 5% है तो 2.5% and 2.5%, one on the right side and one on the left side. Let's say you are working with the standard alpha level of 0.5%. अगर हम standard alpha level 5% ले रहे हैं तो two tail test में we will have half of this, that is 2.5% in each tail. तो हम इसको divide कर देंगे 2.5% दोनों tails में. A mathematical formulation of H1, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, अगर null hypothesis कहती है कि मीन वन और मीन टू में कोई डिफरेंस नहीं है या मीन वन मीन टू के बराबर है, तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कहेगी कि मीन वन टू इज ग्रेटर देन मीन टू इन केस ऑफ राइट टेल टेस्ट एंड मीन वन इज स्मॉलर देन मीन टू इन लेफ्ट टेल टेस्ट. वेयर एज इन केस ऑफ टू टेल टेस्ट ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस सेज दैट देयर इज नो डिफरेंस, इट इज नॉट कंसर्न्ड विद द डायरेक्शन ऑफ डिफरेंस. इन केस ऑफ वन टेल टेस्ट जब H1 इज स्मॉलर देन H0 और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस इज स्मॉलर देन नल हाइपोथेसिस, देन द एरिया ऑफ रिजेक्शन इज प्लेस्ड एंटायरली इन द लेफ्ट टेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. व्हेरेज इन केस H1 इज ग्रेटर देन H0, एरिया ऑफ रिजेक्शन इज एंटायरली इन द राइट टेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ वन टेल टेस्ट. व्हेरेज इन केस ऑफ H1 इज नॉट इक्वल टू H0, इन बोथ द टेल्स कंटेन इक्वल एरिया सर्विंग एज क्रिटिकल रीजन्स. टू टेल टेस्ट में जब हम कहते हैं कि नल हाइपोथेसिस ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस के इक्वल नहीं है, इट मींस दैट देयर इज अ डिफरेंस इन द मींस ऑफ टू ग्रुप्स, बोथ द टेल्स विल कंटेन इक्वल एरिया सर्विंग एज क्रिटिकल रीजंस. वेयर इज इन वन टेल टेस्ट द एंटायर एरिया ऑफ रिजेक्शन इज प्लेस्ड इन द वन टेल ओनली, इधर इट इज ऑन लेफ्ट टेल इन केस ऑफ लेफ्ट टेल टेस्ट और राइट टेल ऑन इन केस ऑफ राइट टेल टेस्ट. कंक्लूजन, to sum up, we can say that the basic difference between the one-tailed and two-tailed tests lies in the direction. That is, in case the research hypothesis entails the direction of interrelation or difference, then one-tailed test is applied. But if the research hypothesis does not signify the direction of difference or interaction, we use two-tailed test. जब हमें direction of difference की बात करनी होती है तो हम one-tailed test अप्लाई करते हैं, जब नहीं होती तब हम टू टेल टेस्ट अप्लाई करते हैं. व्हेन यू कंडक्ट ए टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस, वेदर इट इज फ्रॉम ए कोरिलेशन एन एनोवा ए रिग्रेशन और सम अदर काइंड ऑफ टेस्ट, यू आर गिवन ए पी वैल्यू समवेयर इन द आउटपुट. इफ योर टेस्ट स्टैटिस्टिक इज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, यू कैन सेलेक्ट वन ऑफ द थ्री ऑल्टरनेटिव्स. टू ऑफ दीज कॉरस्पॉन्ड टू वन टेस्ट
एंड वन कॉरस्पॉन्ड्स टू ए टू टेल टेस्ट। अब जैसा कि हमें पता है, हम नल हाइपोथेसिस कहता है देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स। अब हमारे पास देर आर थ्री पॉसिबिलिटीज, क्या क्या हैं थ्री पॉसिबिलिटीज कि ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कह सकता है कि मीन वन और मीन टू में डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है, इट मीन्स मीन वन और मीन टू नॉट इक्वल। एक हो सकता है कि मीन वन जो है मीन टू से बड़ा है, और एक हो सकता है कि मीन वन जो है मीन टू से लेस देन है। ऑल्टरनेट देर आर थ्री पॉसिबल। सो दिस इज द केस ऑफ वन टेल टेस्ट एंड दीज टू आर द केसेज ऑफ सॉरी दिस इज द केस ऑफ टू टेल टेस्ट, दीज आर द केसेज ऑफ वन टेल टेस्ट। वेन मीन वन इज ग्रेटर देन दिस इज राइट टेल, एंड वेन मीन वन इज लेस देन एम टू दिस इज द केस ऑफ वन टेल लेफ्ट टेल टेस्ट। थैंक यू, आई होप ऑल ऑफ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ वन टेल टेस्ट and two-tailed test, and also the difference between one-tailed test and two-tailed test, and when to use these tests, and also the examples with the help of diagrams. This session must be useful for all of you. Thank you, and all the best to all of you.